भोजपुर थाना क्षेत्र के काफियाबाद में हुई राशन डीलर के पति की हत्या के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में पीड़ित परिवार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाए जाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग की है। दरअसल भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव काफियाबाद में 4 सितंबर की सुबह राशन डीलर के पति सुरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में अखिल भारतीय अंबेडकर युवा संघ और पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय पहुंचा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने एक ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाए जाने और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को तत्काल पेंशन दिलाए जाने के साथ ही पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। डीएम साहब से किस संबंध में मिलेंगे, क्या मामला? संबंध ये है कि मेरे पति को 5 जनों ने, क्या नाम है पति का? नाम है सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह। क्या हुआ 5 जनों ने 7:30 बजे सुबह के ड्यूटी करके आ रहे थे, सुबह के 7:30 बजे ड्यूटी करके आ रहे थे। हथियारों ने, वहाँ पे 3 जने बाइक से सवार थे, हथियारों ने गोली से तीन गोली मारी थी और हथियारों ने गोली मार दी और क्या हुआ है, अब वो फरार हो गए और एक की गिरफ्तारी हो गई है, 4 फरार फिर रहे हैं। क्या करते थे आप? हमारे पति ड्यूटी करते थे। क्या मांग है आप? मांग मेरी ये है कि चारों को गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें फांसी होनी चाहिए, 5 डीएम साहब से अभी मिल रहे नहीं है अभी।